हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटीआई एजुकेशन। जैसा कि गाइस आप सभी को पता होगा, गेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से आईटीआई वालों के लिए अगस्त के महीने में रिक्रूटमेंट निकाली गई थी टेक्नीशियन के पद पे। फाइनली गाइस टेक्नीशियन का एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आप सभी को सारा डिटेल बताऊंगा। गाइस आप सभी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए मेरे वेबसाइट विजिट कीजिएगा, गूगल या क्रोम में सर्च कर लीजिए www.itieducation.com और वहाँ पे एक एडमिट कार्ड का सेक्शन बना हुआ है, वहाँ पे आप लोग को डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। आप लोग डायरेक्ट आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे अपना एडमिट कार्ड। गाइस तो यहाँ पे देखिए, ये रिक्रूटमेंट निकाला गया था टेक्नीशियन का पोस्ट था, बाद बाकी कुछ और भी क्वालिफिकेशन पे रिक्रूटमेंट आया हुआ था, सभी का एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है। यहाँ पर अगर टेक्नीशियन का सीट देखे होंगे तो टोटल 103 पद था गाइस। तो देखिए मैं भी आप लोग को बता देता हूँ कब एग्ज़ाम होगा, उसके बाद मैं आप लोग को सिलेबस ही बता दूंगा कैसे आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। तो गाइस मैं अभी गेल इंडिया लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आज लिंक एक्टिवेट हुआ है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे एडमिट कार्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव्स, यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट था, अलग अलग पोस्ट था जिसमें आईटी वालों के लिए टेक्नीशियन था। तो एडवर्टीजमेंट नंबर आप लोग का ये था, यहाँ पे देख सकते हैं गेल ओपन MISC 1/2022 और ये एक और था, अलग था। तो देखिए आप सभी का जो एग्ज़ाम डेट यहाँ पे है 21/11/2022 मंडे को आप सभी का एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप लोग को के लिए एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। आप सभी के सामने में एक न्यू पेज खुलेगा, इस तरीके से न्यू पेज खुलेगा। देन आप लोग का यहाँ पे आप लोगों को पहले लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर लीजिएगा, देन आप सभी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा गाइज। तो देखिए मैं अभी आप लोग को सिलेबस बता देता हूँ, आप सभी सिलेबस मेरे वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइज ये है सिलेबस, और ये सिलेबस जो है गेल इंडिया लिमिटेड के तरफ से ही रिलीज़ किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट फॉर वेरियस नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट। तो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर का भी रिक्रूटमेंट था और आईटी वालों के लिए टेक्नीशियन का रिक्रूटमेंट था। तो यहाँ पर सभी का सेक्शन वाइज यहाँ पर ये क्या है कि सिलेबस रिलीज़ किया गया है। तो टेक्नीशियन का नीचे में है, तो आप सभी ये जो PDF देख रहे हैं ये भी मेरे वेबसाइट से आप लोग आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का पार्ट वन का सिलेबस बताया गया है, जो आप सभी का टेक्निकल का जो है वो पोर्शन दिया गया है। यहाँ पे आप लोग सभी देख सकते हैं, जो आप लोग टेक्निकल ट्रेड थ्योरी पढ़ते हैं उसी का ये दिया हुआ है। बाद बाकी आप लोग का पार्ट टू जो है नॉन टेक्निकल रहेगा, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन का है, फिर यहाँ पे आप लोग का मैकेनिकल ब्रांच का हो गया जो टेक्नीशियन में ही आता है, टेलीकॉम एंड टेलीमेंट्री हो गया, उसके बाद ऑपरेटर फायर है, सभी का यहाँ पे बता दिया गया है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा। देन गाइज यहाँ पे ये भी बताया गया है टोटल आप लोग का 100 क्वेश्चन रहेगा, ये आप लोग का सही मार्क के लिए, आप सही उत्तर के लिए 1 मार्क मिलेगा। यहाँ पे आप लोग का निगेटिव मार्किंग है 1/4, ठीक है। और गाइज यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि टेक्निकल से कितना पूछेगा, नॉन टेक्निकल से कितना पूछेगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन कभी भी आप एग्जाम दिए होंगे टेक्निकल ओरिएंटेड जॉब जो निकलती है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग का ट्रेड का ही रहेगा, ठीक है। तो एज पर माई व्यू लगभग 60-70% क्वेश्चन आप लोग का ट्रेड का ही रहेगा, बाकी जो बचेगा वो आप लोग का नॉन टेक्निकल का रहेगा। तो अच्छा खासा जॉब है गाइज, आप सभी इसका अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। आप सभी अपना एडमिट कार्ड मुझे शेयर भी कर सकते हैं जो कैंडिडेट का एग्जाम है, बाकी इसका आंसर की भी रिलीज किया जाएगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आंसर की भी मुझे शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी को मेरा ईमेल आईडी पता ही होगा itieducation786@gmail.com पे। तो आप सभी मेरी वेबसाइट विजिट कर लीजिए, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा और ये सिलेबस भी डाउनलोड कर लीजिएगा, डायरेक्ट PDF मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा।